अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान महमूद। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यू ट्रेंडिंग वीडियोस। आज हम मौजूद हैं मुमताज कलेक्शन पर, जहां पे बड़े बड़े ब्रांड्स के रिप्लिका तैयार होते हैं, और इन रिप्लिका के साथ साथ हमारे साथ मुमताज कलेक्शन के ओनर मौजूद हैं अली भाई, जो अपने डिजाइन भी तैयार करते हैं, हैंडमेड सूट्स और हैंडमेड लहंगे। आए आपको इनके बारे में मालूम लेते हैं अली भाई से, कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स के रिप्लिका भी तैयार करते हैं और अपने डिजाइन भी तैयार करते हैं। इनसे देखते हैं कौन से इनके अपने डिजाइन हैं और कौन से इन्होंने रिप्लिका तैयार किए हैं, और ये कितने टाइम में तैयार होते हैं, इन पर क्या प्रोसीजर आता है, सारा इनसे सारी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। हमारे नाजरीन को बताइए कि आजकल माशाल्लाह शादियों का सीजन अरूज पे है और टाइम भी बहुत शॉर्ट चल रहा है आजकल, ऑर्डर्स भी आपके अभी काफी चल रहे होंगे, तो इसमें आप अपने कौन से डिजाइन तैयार कर रहे हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स के रिप्लिका कौन से आप यानी रिप्लिका तैयार कर रहे हैं? मुख्तलिफ डिजाइन्स होते हैं। दरअसल अभी शर्ट्स का काम ज्यादा चल रहा है, लहंगे का ज्यादा चल रहा है, सीजन हमारा अरूज पे है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेप्लिस का। आप जो बात कर रहे हैं रेप्लिका में, पिक्चर जो होता है ना उस पर बड़ा डिपेंड करता है, पिक्चर वर्क कस्टमर जो लाइक करता है। जैसे कि आपने इलान से कुछ या रिपब्लिक से डिजाइन सेलेक्ट किया, बड़े ब्रांड से आप सिलेक्शन कर लेते हैं, तो उसमें डिमांड होती है क्लाइंट की मैक्सिमम जो ना हमें मिनिमम रेंज में लेकर जाए। उनकी रेंज होती है 12 लाख, 15 लाख, देन 20 लाख तक जो सा लहंगा होता है उसको मैनेज करके जो ना 4 और 3 लाख के अंदर रेंज में लेके आते हैं, उससे हम कहते हैं रेप्लिका। ओरिजिनल जो होता है उनके पास होता है, मगर ओरिजिनल से भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि रेप्लिका में जो हम उसको आगे लेकर जाएं। मेरे पास जितना भी वर्क पड़ा हुआ है टोटली हैंडमेड पड़ा हुआ है, इसमें कोई मल्टी वर्क नहीं किया हुआ। मल्टी हेड होता है, जैसे हम मशीनी काम करके ऊपर फिलिंग कर देते हैं तो वो बहुत कम होता है, जो हम बनाते हैं कस्टमर डिमांड करे तो बना देते हैं, वैसे हम इसको हैंडमेड में ही लेकर जाते हैं। वैसे आप सारा काम हैंडमेड करते हैं? बिल्कुल, माशाल्लाह हमारी टीम है, वर्कर है। स्टार्ट में हम जब आप एक पिक्चर लेकर आते हैं, सबसे पहले हम उसका फैब्रिक चूज करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको लेकर जाते हैं, देन वो फैब्रिक के साथ साथ चूज करके साथ हम मटेरियल चूज करते हैं, मटेरियल के साथ फिर हम उसको बेसिक मैनेज लेकर जाते हैं पेपर वर्क के ऊपर, स्केच बनाने पे। पेपर वर्क स्केच जब बनता है, मेन आपका वर्क का जो सा है डिपेंड करता है स्केच के ऊपर। स्केच आपका सही होगा तो वर्क आपका ऑलमोस्ट बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, उसमें कलर स्कीम थीम जो आपका फूल वगैरह जो भी आपके क्लाइंट की डिमांड होती है वर्क के अंदर, वो ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं हम उसके अंदर स्केच के अंदर। स्केच के बाद हम आते हैं फैब्रिक के ऊपर, फैब्रिक के बाद हम जाते हैं उसके मेजरमेंट के ऊपर और वर्कर के ऊपर जाते हैं। देन ये एक शर्ट का प्रोसीजर जो होता है, मैक्सिमम से जितना मर्जी आप लेके जा सकते हैं, अगर आप फास्ट वर्क में लेके जाए तो देन 15 डेज के अंदर एक शर्ट उतरती है हमारी। 15 डेज के अंदर सिर्फ एक शर्ट उतरती है, जिसमें डायर का वर्क होता है, स्केच वाले का वर्क होता है, मटेरियल चूज होता है। अक्सर आप पिक्चर में जो होता है ना, क्लाइंट थोड़ा सा कंफ्यूज हमें करता है कि कलर स्कीम के ऊपर, अक्सर हम मोबाइल पे पिक्चर भेज देते हैं तो आप हम उसको कलर स्कीम करें अंदर थोड़ा सा मुश्किल हमें होती है, मुश्किल आप पिक्चर आपके मोबाइल में और होगी मेरे मोबाइल में और होगी, तो कोशिश करते हैं इसको मैच किया जाए। पिक्चर वर्क में हमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, इसलिए कि उसको खोलना भी अक्सर पड़ जाता है, सही क्लाइंट की डिमांड के ऊपर हमें जो सारा मैच करना पड़ता है। यानी कि आगे कहने का मतलब पिक्चर्स में जो कलर स्कीम जो ओरिजिनल होती है उसमें डिफरेंस होता है, डिफरेंस आप अगर आप पिक्चर देखे ओरिजिनल का इशू होता है, पिक्सल्स का इशू होता है, मोबाइल रिजल्ट का इशू होता है। कोई मोबाइल पे आप रिजल्ट पिक्चर भेजते हैं वो होगी, या मेरे मोबाइल पे भेजेंगे उसका कुछ और होगा। जो बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी पिक्चर्स बड़े ब्रांड्स शूट्स कराया होता है, वो एक डिजाइन के एक कलर को शूट के अंदर ही डिफरेंट कलर्स में ले जाते हैं, डिफरेंट कलर्स में ले जाते हैं। ये बहुत बड़ा जो सता एक जिम्मेदारी होती है क्लाइंट को लेकर जाने वाली, लेकर जाने वाली। सबसे बड़ी मुश्किल हमें होती है ब्राइडल में, शर्ट्स वगैरह में हम कुछ मैनेज कर लेते हैं ब्राइडल, क्योंकि फर्स्ट डे का होता है, वन डे चलना होता है, और ब्राइडल की डिमांड भी होती है दुल्हन की कि मेरा ब्राइडल सबसे अच्छा हो, तो कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है, हम कॉपी वगैरह और जो सारा रेप्लिका अच्छी बना लेते हैं। रेप्लिका अच्छी, ऑफिशियली बात है कि जो ब्राइडल होती है वो सारे क्या नाम है जो फंक्शन में होते हैं, जितने भी पीपल्स ऑलमोस्ट शिरकत होती है जिनकी,
उनका फोकस ही क्या नाम है ब्राइडल पे होता है या ग्रूम पे होता है। ऐसी बात है, फर्स्ट डे का जब ब्राइडल बनाते हैं या सेकंड डे का मैक्सी वगैरह या जो भी सेकंड डे का ड्रेस होता है, वो क्योंकि आपके पूरा इवेंट के ऊपर लोग देख रहे होते हैं कैसे बनी है क्या चीजें, एक एक चीज के ऊपर, एक ड्रेस के ऊपर सब लोगों की नजर होती है। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, उसको 100% दें, 100% दें, बिल्कुल ऐसे ही। हमें दिखाइएगा जो रेप्लिका बने हुए हैं हमारे नाज़रीन को। मैं आपको नाज़रीन को दिखाता हूँ, ये हमने इरम खान का ड्रेस बनाया था। इरम खान का ड्रेस जो बना हुआ था उस पर ये वर्क जो होता था मशीनी वर्क हुआ है, हमने इसको हैंडमेड में लेकर गए हैं। मशीनी वर्क के नीचे उभरा हुआ ऐसा काम होता है, वो फिलिंग टाइप होती है, इसको टोटली खूबसूरती से हम हैंडवर्क में लेकर गए हैं। हैंडवर्क में लेकर जी, इसी तरह ये मेरी शॉप की कलेक्शन है। सही होगा, क्लाइंट की च्वाइस होती है, वो फिर कलर स्कीम चेंज करवा सकते हैं। ज्यादा कोशिश करते हैं लाइट कलर में सैंपल बने हो, क्योंकि हमारी वर्कशॉप में ये सैंपल जाते हैं दोबारा, हैंड लगते हैं तो रफ होते हैं, रफ होते हैं, डार्क कलर फेल्ड होने का अंदेशा होता है, जिसकी वजह से हम उसको लाइट कलर्स में लेकर जाते हैं। सही, यानी कि डार्क कलर्स में कम डिमांड है, और कोशिश करते हैं लाइट कलर में ही लेकर जाएं, हाँ। डार्क में ना लाइक जाए, मगर कुछ च्वाइस होती है, कोई कलर स्कीम ऐसी उठ रही होती है कि वो डार्क में ही अच्छी लगती है। देखिए आपके इरम खान का सेम वर्क के ऊपर सेम कलर स्कीम दी हुई है, इसकी थीम दी है सेम बेस के ऊपर। अच्छा, ये गोन है या शर्ट? ये ओपन गोन बना हुआ है, जिसके नीचे इनर होता है, नीचे ट्राउजर बनता है, ट्राउजर पे बॉर्डर वगैरह डिमांड कर सकते हैं, इसके नीचे लहंगा भी बना सकते हैं, लहंगा भी बना सकते हैं। चॉइसेस होती हैं शर्ट्स के नीचे, आपकी क्लाइंट की चॉइसेस होती हैं जो आप बना सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, कॉपी हो गई, रेप्लिका हो गया, बिल्कुल ऐसी है। ये आपका, ये हमारा अपना डिजाइन है, अपनी हमारी प्रोडक्ट है ये। इसके बारे में जरा कोई नाज़रीन को बताएं, ऐसे ही जैसे ये इसका काम वगैरह, इसी तरीके से ये देखना, हमने इस पे अब जापानी वर्क किया हुआ, जापानी कटदाना लगा हुआ है, इस पे दबका लगा हुआ है, स्मोक कलर का लगा हुआ, डार्क नहीं लगा हुआ, इसे हम कटदाना कहते हैं जापान में। अच्छा। और इसमें जितना मटेरियल लगा हुआ ना, ये क्रिस्टल मटेरियल लगा हुआ है, प्लास्टिक मटेरियल लगा, इसकी शाइन बता रही है कि डिफरेंट चीज नजर आ रही है आपको, इसकी ब्यूटी इसी में है कि इसके मटेरियल में। आप इसको दूसरे मटेरियल में बना सकते हैं, मगर इसकी लुक जो सी होती है ओरिजिनल मटेरियल में आएगी। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, इसके जो क्या नाम है, नीचे आपका कह रहे थे कि लहंगा भी, बिल्कुल इसके नीचे लहंगा भी बनवा सकते हैं आप इसके नीचे शरारा भी बना सकते हैं। ओपन गोन के हमने एक शर्ट का एक स्केच दिया, एक सैंपल रखा होता है, वो क्लाइंट की डिमांड होती है कि किसी चीज़ में बॉर्डर बना दे, जैसा कि वो पीस आप देख रहे हैं वो मेरे पास मैक्सी में भी पड़ा हुआ है और शर्ट में भी बना हुआ है, क्लाइंट की डिमांड होती है। सही, वो जरा दिखाएंगे हमें? जी बिल्कुल, जरूर मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारी ब्राइडल मैक्सी है, सेकंड भी यूज कर सकते हैं। अक्सर आप लेडीज कहते हैं कि हमने दुल्हन के साथ का सूट पहनना है, तो वो शर्ट जो सी होती है वो लड़कियां दुल्हन की बहनें भी पहन सकती हैं, दुल्हन की सालियां भी पहन, दूल्हे के सालियां भी पहन सकती हैं, जहरी बात है। तो ये आपकी मैक्सी में आ जाती है, इसी तरह हम आपको शर्ट दिखा देते हैं, ये चीज शर्ट में आ जाएगी। ये आपकी शर्ट में आ जाती है, ये शर्ट में, हमने मैनेज कर दिया, और ये आपका हमने लहंगे में मैनेज कर देंगे। सही, ये शर्ट आ गई जी, ये देख सकते हैं आप, और ये लहंगे में आ गई। अच्छा, इसमें जो आपने माशाल्लाह ये काम करा किए हैं, इसमें कौन से हैं? इसमें जैसे आपने बताया व्हाइट मटेरियल लगा, सेकंड डे पे ज्यादा चूज होता है कि व्हाइट मटेरियल लगो, लाइट कलर दो। फर्स्ट डे का जैसे आप ब्राइडल डार्क कलर में लेते हैं, रेड कलर में चलता है, मैरून में चलता है, थीम तो वही होती है। सेकंड डे में पेस्टल्स कलर होते हैं, ये पीच कलर है, जैसे वो ग्रीन कलर में, लाइट कलर्स, मिंट कलर्स में जो सा ज्यादा अच्छा लगता है। सही हो गया, ये ग्रीन कलर में है? हाँ जी, ये ग्रीन कलर में डिफरेंट वर्क हुआ है, ये बैक टेल में है, ये बैक टेल में है। अच्छा, ये भी क्या नाम है, बिल्कुल उसी तरह ही, बिल्कुल ये भी हमारी मैन्युफैक्चर अपनी है, आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें हट का जो सा मटेरियल लगा हुआ है, देखिए इसमें 3D फ्लावर्स लगे हुए हैं, पर्ल जो ना ओरिजिनल पर्ल में लगा हुआ है, क्रिस्टल पर्ल लगा हुआ है, दबका लगा हुआ है इसके अंदर, टोटली जो सा ना हैंडमेड में जो अच्छे मटेरियल लगा हुआ है ना, वो इसके मैन्युफैक्चर में है। ये इसकी बैक टेल है, फ्लो लेंथ में इसकी टेल है। ये फुल बैक से बैक टेल है, हम इसे नॉर्मल में बनाते हैं। अच्छा, हमने सैंपल्स को नॉर्मल टेल में रखा हुआ है, क्लाइंट की तो 200-250 तक भी टेल जाती है, कई क्लाइंट जो से लाइक नहीं करते टेल को, वो स्किप करवा लेते हैं। सही हो गया,
ये भी आपका अपना डिजाइन है माशाल्लाह, और ये वाला भी आपका अपना है, ये बेसिक इलान की कॉपी है, कॉपी है, ये हमने मैनेज किया, वो आपके जो बैक पे लगा वो आपका डिजाइन, हाँ जी बिल्कुल वो मेरा अपना डिजाइन, और इसके अलावा जो आपके अपने मजीद कोई डिजाइन मुख्तलिफ डिजाइन है, ये भी हमारा अपने शॉप का डिजाइन है। अच्छा ये कुर्ते में, हाँ जी ये बैंड स्टाइल में बना रखा है, सही, ये भी आपके अपने शॉप का, ये रॉ सिल्क पे बना हुआ है, ये रॉ सिल्क पे, सही है। ये था नाज़रीन आज का फैंसी लहंगे और ब्राइडल रिप्लिका का एक मुख्तसर सा रिव्यू था, अली भाई ने हमें इसके बारे में काफी नॉलेज दिया और काम के बारे में भी बताया। अच्छा अली भाई माशाल्लाह हमारी वीडियो देख के जो कस्टमर्स आपके पास आएंगे उनके लिए क्या स्पेशल पैकेज आप देंगे? जी जरूर लाजमी उनको मैं 10-15% डिस्काउंट दूंगा। अच्छा, और इसमें ये आपको बेनिफिट दूंगा कि आपको एक दूसरा ड्रेस बना कर दूंगा अपने मास्टर वर्कर से बना कर दूंगा, उसमें जरा और खूबसूरती का निखार आ जाएगा, सही, जिससे क्लाइंट भी खुश होगा और आप भी इंशाल्लाह खुश होंगे। सही, और इसका कितना टाइम पीरियड आप दे रहे हैं आज? आजकल हमारा सीजन चल रहा है भाई, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी उससे हम काम को वाइंड अप करें, क्योंकि जहरी बात है फंक्शंस होते हैं, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, पीक पे काम हमारा एंड ऑफ नवंबर का मिड आ गया माशाल्लाह, तो ये नवंबर दिसंबर एंड जनवरी जो आता है ना हमारा पीक वर्क जा रहा था, तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी बना कर दें। मैक्सिमम हम आपसे 45 डेज लेंगे ब्राइडल ड्रेस के लिए, आपके लिए स्पेशली जो है ना मैं अपने वर्कर्स को जरा बूस्ट करके करूंगा कि जल्दी से जल्दी काम बाइंड अप करें, सही हो गया, यानी कि एक स्ट्रिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो बिल्कुल लगेगी और काम के मियार में कोई कॉम्प्रोमाइज का मियार जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काम का मियार जो है ना हमारी शॉप की पहचान है, पहचान है, हम आपको काम अच्छा करके देंगे, हम एक क्लाइंट का वर्क नहीं करते, हम पूरी फैमिली का वर्क करते हैं, क्योंकि एक क्लाइंट के ड्रेस को ही पूरी फैमिली देखती है और वो पूरी फैमिली हमारी क्लाइंट बनेगी, बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आप हमारे साथ चलें और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, एक फैमिली क्लाइंट नहीं बनेगी, एक पूरी टीम मेंबर वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा और ये आपका माशाल्लाह ये कैसे है, पूरे पाकिस्तान में जाता है या? जी माशाल्लाह मैं ऑनलाइन पेज भी चला रहा हूँ, मेरा पेज में माशाल्लाह 50K फॉलोअर्स हैं, आउट ऑफ कंट्रीज के ज्यादातर क्लाइंट्स हैं, सही, क्योंकि पाकिस्तान की एक मेन जगह है लिबर्टी, माशाल्लाह आप लिबर्टी में बैठे हुए हैं, हम तो एक आउट ऑफ कंट्री के विजिटर्स भी आते हैं, बुटीक्स लेवल पे भी वर्क करते हैं, कई लोगों से हमारा ऑनलाइन बुटीक्स वालों से कॉन्टेक्ट होता है तो फिर उनके साथ ही हम काम करते हैं, कुछ डिजाइन जो होते हैं ऑनलाइन वालों के जो सिर्फ आउट ऑफ कंट्री में हैं, हम उनके डिजाइन डिस्प्ले भी नहीं करते, डिस्प्ले नहीं करते, अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनके डिजाइन ऐसे होते हैं, अच्छे डिजाइन होते हैं, वो चलते हैं रनिंग आइटम्स है, पर वीक पर मंथ में क्वान्टिटी में हमें वो पीसेस देते हैं, तो फिर इस लिहाज से उनके ड्रेस हम शो ऑफ नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते, सही हो गया। अच्छा माशाल्लाह अली भाई माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा बताया और बड़ा अच्छा गाइड किया हमारे नाज़रीन को भी और हमें भी, अपनी शॉप का एड्रेस बता दें। जी बिल्कुल जरूर, मेरी शॉप लिबर्टी में है, लिबर्टी मक्का टावर में, मक्का टावर, हाँ जी लिबर्टी मक्का टावर गुलबर्ग 3 है ये, गुलबर्ग शॉप नंबर 23 मुमताज कलेक्शन के नाम से, मुमताज कलेक्शन के नाम से। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका, ये था नाज़रीन आज का मुख्तसर सा एक रिव्यू ब्राइडल्स के वाले से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल शादियों का सीजन है, इस तरह की वीडियोस हम बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के एक तजर्बाकार ऐसे अली भाई जैसे हैं माशाल्लाह, इनका तजर्बा है इस काम में, हम इस तरह ढूंढ के बनाते हैं, तो इसको आप फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक अच्छी ऐसी ही वीडियो के वाले से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।